नमस्कार। आज हम इस पुरानी कुर्ती का यूज़ करके अपने अलमारी के लिए एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक रबर सीट कट की है। आप रबर सीट की जगह खाली राइस बैग ले सकते हैं, शॉपिंग बैग ले सकते हैं, बुकरम या वेस्टिंग ले सकते हैं। मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। लेंथ है इसके 16.5 इंच और विड्थ है इसके 14.5 इंच। अब देखिए, सबसे पहले इसे इस तरह रखेंगे और इसकी चारों तरफ निशान लगा लेंगे। इसे हटा लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। देखिए, कपड़े के दो पीसेस हमने कट कर लिए हैं। अब कुर्ती का बाकी बचा हुआ हिस्सा लेंगे, इसे फिर से लेंगे, इस तरह रखेंगे, इसमें भी चारों तरफ से निशान लगा लेंगे, इसे भी कट कर लेंगे, इसे भी हमने कट कर लिया है। अब इसे अलग करेंगे एक पीस को। रबर सीट लेंगे, इस तरह रखेंगे सेंटर में, इसे इसके ऊपर बिछाएंगे। अब इसमें हम इस तरह से सीधी सिलाइयाँ लगा लेंगे। सीधी सिलाइयाँ लगा लेंगे इसमें। देखिए, हमने कपड़े पे सीधी सिलाइयाँ लगाकर इन तीनों को आपस में जोड़ लिया है, ये देखिए। अब इसी साइज़ का मैंने एक पॉलीथीन कट की है, ये देखिए। इस तरह की पॉलीथीन आपको स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगी, जिससे हम बच्चों की कॉपी पर कवर चढ़ाते हैं। और कई बार इस तरह की पिन्नियाँ हमारे नए कपड़ों में भी आती हैं, तो हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब से इसे अलग रखेंगे, इसे लेंगे। अब देखिए, इसी साइज़ की मैंने एक चैन ली है। चैन की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से। और देखिए, मैंने कपड़े की लंबी पट्टी कट की है। विड्थ है इसकी 1.5 इंच। अब इसे इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। यहाँ से सीधी सिलाई यहाँ तक लगा लेंगे। देखिए, हमने यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई लगाकर इसे जोड़ लिया है। एक्स्ट्रा पट्टी हम कट कर लेंगे। अब इसे इस तरह पलटेंगे, इसे नीचे की तरफ करेंगे इस तरह से। इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करते हैं। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर पाइपिंग बना ली। देखिए, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर हमने पाइपिंग बना ली है। पाइपिंग लगाने से हमारी कहीं भी सिलाई दिखाई नहीं देगी, इस साइड से भी सिलाई दिखाई नहीं देगी और इस तरह से भी सिलाई दिखाई नहीं देगी। इससे अब बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब इसे उल्टी तरफ पलटेंगे, इस तरह रखेंगे, इसे लेंगे, इसके ऊपर इस तरह रखेंगे, कपड़े की एक पट्टी और लेंगे, इसे इस तरह रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर जोड़ देंगे। देखिए, हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे जोड़ लिया है। एक्स्ट्रा पट्टी हम कट कर लेंगे। अब इसे पलटेंगे इस तरह। इस तरह अब इस पट्टी को भी इस तरह फोल्ड करेंगे इस तरह से और सिलाई लगाकर यहाँ से यहाँ तक पाइपिंग बना लेंगे। देखिए, ऊपर की तरफ भी हमने कपड़े को पलटते हुए यहाँ से यहाँ तक पाइपिंग बना ली है। अब देखिए, हम यहाँ से इस तरह सिलाई लगाते हुए यहाँ से यहाँ तक आएंगे। तीनों तरफ सिलाई लगा लेंगे हम। देखिए, हमने यहाँ से इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब इसे इस तरह पलटेंगे। कपड़े की एक पट्टी लेंगे, इसे 1/2 इंच ऊपर की तरफ निकालेंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। देखिए, हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे जोड़ लिया है। एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेंगे। अब इसे इस तरह पलटेंगे, पट्टी को इस तरह, कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे, सिलाई लगाकर यहाँ से यहाँ तक पाइपिंग बना लेंगे। इसी तरह इस साइड पाइपिंग बना लेंगे। देखिए, इसकी तीनों तरफ हमने पाइपिंग लगा ली है, ये देखिए। इस तरह से हमारा साड़ी कवर बिल्कुल रेडी है। इस तरह के कवर बनाकर आप अपने कपड़े इसमें रख सकते हैं और अपने अलमारी को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। अब इसमें साड़ी डाल के दिखाती हूँ आपको। इसमें हम साड़ी डाल लेंगे। ये देखिए, हमारा साड़ी कवर बिल्कुल रेडी है, ये देखिए।
देखिए पुरानी कुर्ती से हमारे दो साड़ी कवर बन गए हैं, इसमें भी मैं साड़ी डाल लेती हूँ। इस तरह से आप भी बिना एक भी पैसा खर्च करें पुराने कपड़ों से घर पर ही सुंदर सुंदर कवर बना सकते हैं और अपने अलमारी को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। और देखिए जो पॉलीथिन मैंने यूज़ की है, तो जब हमने न्यू फ्रिज खरीदा था तो फ्रिज पे इस तरह की पिन्नी लगी हुई थी, तो इस पिन्नी को मैंने संभाल लिया था। तो इस तरह से आप भी बेकार चीज़ों को यूज़ करके अपने घर पर ही अपने काम की चीज़ें बना सकते हैं।